गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है लबो दहन। लब मीन्स लिप और दहन मीन्स माउथ। लेकिन माउथ का कोई स्वाद थोड़ी, दहन का कितना मजा है कहने का। तो पहला तो शेर बड़ा सिंपल सा है, बड़ा मशहूर भी है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाज नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। मीर सकी मीर। पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब गालिब का शेर लीजिए, कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। अब ये थोड़ा जो शेर है गालिब ने लिख तो दिया है, पर ये हकीकत क्या है, रकीब जो है, राइवल जो है, उसको ऐसे लगता है कि उसको बोसे मिले हुए हैं माशूक के। तो कहते क्या हैं कि कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, यानी रकीब ने उसको गालियां दे रहा है और फिर भी उसको वो बेमज़ा नहीं हुआ, यानी बेलुत्फ नहीं हुआ, क्योंकि वो मीठे हो गए हैं उसके लिए। आप एक आगे और शेर सुनिए वजीर लखनवी का, चूमता हूँ लबे शीरी वो खफा होता है, यानी मीठे होंठ चूमता हूँ तो वो खफा होता है, क्या शकर रंजिए जाना में मज़ा होता है। शकर रंजी भी नहीं होती नाराजगी। तो आप इसको दो तरीके से पढ़ सकते हैं। आप एक पढ़ सकते हैं कि क्या शकर रंजिए में मज़ा होता है, और दूसरा पढ़ सकते हैं अरे क्या शकर रंजिए में मज़ा होता है, क्या है मतलब कितना होता है, क्या ये क्या उस तरह, क्या शकर रंजिए जाना में मज़ा होता है। अब आगे शेर कौन सा सुनाऊं, अख्तर शेरानी, हसरत बोसा पे अख्तर ये ख्याल आता है, क्यों मेरे लब से हों वो बरगे गुलाब आलूदा। उसको हसरत है कि मैंने बोसा नहीं लिया, कहता चलो अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसके जो लब है गुलाब जैसे वो आलूदा हो जाते हैं ना, आलूदा होते हैं ना, जैसे ख़राब हो गए थे, मिट्टी से ख़राब हो जाते हैं, जैसे आलूदा हो गया। चलिए अगला शेर है बिस्मिल सईदी का, मजाले जुम्बशे लब अब उनकी बजम में तोबा, नजर उठाने का भी हौसला नहीं होता, कि होंठ तो क्या खोल लें मैंने, कि मजाले जुम्बश जुम्बश होते हिलाना, मजाले जुम्बशे लब उनकी बजम में तोबा, नजर उठाने कभी हौसला नहीं होता। और लीजिए शेर किसका आ रहा है, अली अख्तर का आ रहा है, मुस्कुराए वो मुझे याद आ गया पैमाने जब्त, रह गई शर्मा के गुस्ताखी लबे फरियाद की। फिर सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए, अली अख्तर का था, मैं
भूल गया था कौन सा पढ़ा था मैंने। मुस्कुराए वो मुझे याद आ गया पैमाने जब्त। पैमान होता है जो प्रॉमिस किया हो, तो जब्त होता है कि भाई नहीं करना, जब्त रखनी है। तो और क्या हुआ कि जो गुस्ताखी थी लबे फरियाद की उसको शर्म आ गई। लेकिन बंदिश कितनी प्यारी है, मुस्कराए वो मुझे याद है आ गया पैमाने जब्त, रह गई शर्मा के गुस्ताखी लबे फरियाद की। कि जो फरियाद करनी थी ना लब ने, तो उसकी उसको शर्म आ गई। कितनी बड़ी अच्छी बंदिश है, रह गई शर्मा के गुस्ताखी, गुस्ताखी को शर्म आ गई लबे फरियाद। अब ये बड़ पॉजिटिव शेर है कि कम ही होते हैं पॉजिटिव, पर ये है। तेरे दरबार में मिलती है हर शह बेमतलब साकी, के खुलने भी नहीं पाते यहाँ सायल के लब साकी। मांगने वाला जो सायल है उसके तो लब खुलते ही नहीं, उसको मिल जाते हैं। किसी की बेरुखी का शिकवा भी तौहीन उल्फत है, शिकायत लब पे आ जाए तो जल जाए दहन मेरा। किसकी तौहीन नहीं करनी, तो मेरा मुंह सड़ जाए, जल जाए दहन मेरा, कि मेरा मुंह सड़ जाए दे, आ जाए शिकायत लब पे। ये अब ये है अंधलीन शदा, अंधलीब शादानी का ये शेर है कि लबे नाज का तबस्सुम, लबे नाज की है फितरत, यानी उसकी तो स्वभाव है, उसका उसकी तो आदत है। मुझे कुछ यकीन आए अगर आँख मुस्कराए, अगर आँख मुस्करा पड़े तो फिर मुझे यकीन आए। लबे नाज का तो बसुम, तो लब की फितरत है ना। ये लब ये आरज़ो गैसू, ये मैं फिशा नजरें, तुम इस अदा से ना देखो कि मुझको प्यार आ जाए। क्या कह रहा है, ये लब ये आरज़ो गैसू, गैसू ये जुल्फें होती हैं, आरज़ बुलंद चीक्स होती हैं, ये मैं फिशा नजरें, मैं फिशा नजरें जो शराब उंडेल रही हैं नजरें, तुम ही सदा से ना देखो कि मुझको प्यार आ जाए। वाह, उम्मीद है आपको ये अशआर पसंद आए होंगे, और मैं तो साथ में थोड़ी थोड़ी ये सुन रहा हूँ, आपको भी सुन रही होगी। अली अकबर साहब की सरोद है, ललित है, सुबह को राग है, लेकिन इस वक्त भी अच्छा लगता है। थोड़ा सा सुन लीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर डालें, ताकि आपको बर वक्त इतला मिल जाए कि कौन सी वीडियो डाउनलोड हो गई है। ये तो कभी सुबह होती है, कभी दोपहर होती है, कभी शाम होती है, कभी बहुत लेट भी हो जाती है, फिर आपको पता चल जाएगा कि हो गई है। यूं भी हमें खुशी होगी अगर आप हमें ज्वाइन करें तो। चलिए फिलहाल तो ये ललित सुनिए।
Wow. Okay, thank you.